महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद शिवसेना अपने बागी विधायकों के निलंबन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने सीएम एकनाथ शिंदे और उन 15 अन्य विधायकों के सदन से निलंबन की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। एकनाथ शिंदे के 30 जून को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने के 2 दिन बाद शिवसेना के बागी विधायकों ने मुंबई लौटने का फैसला कर लिया। गोवा में 4 दिन तक डेरा डालने के बाद सभी शनिवार रात को मुंबई पहुंच गए। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका गांजे बाजे के साथ स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सभी विधायक ताज प्रेसिडेंट होटल विधायक पहुंच गए, जहां बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल और गिरीश महाजन ने उनका स्वागत किया। वहीं थोड़ी देर में बीजेपी विधायकों के साथ शिंदे गुट के विधायकों की कोऑर्डिनेशन बैठक होनी है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि फ्लोर टेस्ट अहज एक औपचारिकता है, हमारे पास 171 विधायक हैं। हालांकि उन्होंने कैबिनेट विस्तार पर जवाब देने से इनकार कर दिया। एकनाथ शिंदे शुक्रवार देर रात गोवा के ताज होटल पहुंचे थे। मालूम हो कि 21 जून को विधायक शिवसेना से बगावत कर सूरत चले गए थे। इसे बाद में गुवाहाटी और फिर गोवा रवाना हो गए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 3 और 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। वहीं 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे को बहुमत साबित करना होगा। वहीं 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा और शिंदे सरकार 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर शिवसेना में सभी पदों से हटा दिया है। बागी गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के इस फैसले को चुनौती देंगे। शिवसेना ने शिंदे साहब को पद से हटा दिया है, लेकिन जिस तरीके का नोटिस दिया गया है वो आपत्तिजनक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो नोटिस दिया गया है वो वाक्य में आपत्तिजनक है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।